हेलो एंड गुड मॉर्निंग, मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की सारी ताजा तरीन गरमा गरम खबरों के साथ। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन का हर किसी के लिए खास महत्व है। हर एक देश उसकी ज्यादा से ज्यादा डोजेस खरीदने की कोशिशों में जुटा हुआ है। यहाँ तक कि भारत देश भी अपनी सहूलियत के हिसाब से वैक्सीन के ऑर्डर प्लेस कर रहा है। इन सब के अलावा लोगों तक उस वैक्सीन का पहुंचना भी काफी अहमियत रखता है। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा करना और बाकी चीजों का भी ख्याल रखना, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और कई जगह कामों की जो गति है वो काफी अच्छी चल रही है। वैक्सीन के अलावा भी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि हमारे देश की सुरक्षा से काफी ज्यादा कनेक्ट करती हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा भी कई नए परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाई योगी सरकार, सजा के साथ देना होगा 25,000 जुर्माना। फिर खुला पाक का काला चिट्ठा, मारे गए जैश के 4 आतंकियों के गैजेट से भारत को मिला ये सुराग। महाराष्ट्र में आज से नए नियम लागू, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही होगी एंट्री। स्पुतनिक वी वैक्सीन है 95% असरदार, रूस में फ्री और बाकी देशों के लिए कीमत है 700 रूपए। अगर आप करते हैं गूगल पे का इस्तेमाल, अगले साल से देना पड़ेगा चार्ज। 1 जनवरी 2021 से मोबाइल नंबर में बिना 0 लगाए नहीं हो पाएगी बात, जाने क्या है ये नया नियम। बैंक स्ट्राइक, इस वजह से 26 तारीख को होगी बैंकों में हड़ताल, ठप हो जाएंगे सारे जरूरी काम। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, खबरों पर अपना पूरा ध्यान रखिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, जो भी विचार हो, नीचे कमेंट सेशन में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही आपसे एक बात ये भी कहनी है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप भी उस मेहनत की कदर करते हैं, इसलिए इतने ही प्यार सबर और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। हम उस बात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप बस अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए और हम आपके लिए इसी तरीके से बेहतरीन काम करते रहेंगे। इसी के साथ, जब आप वीडियो को एंड तक देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने विचार हमसे साझा करते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक मोटिवेशन का तरीका है और हम इसी तरीके से आपके इस मोटिवेशन से काम करते रहेंगे, बेहतरीन काम करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बातें बंद करते हैं और खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में जानलेवा कोरोना वायरस के 44,376 नए मामले सामने आए, वहीं 481 लोगों की मौत हुई। देश में अब इस महामारी से 1,34,699 लोग जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल मामलों की संख्या 92,22,217 हो गई, जबकि 86,82,771 लोग ठीक हो गए हैं। कल कुल 37,816 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने 43 और मोबाइल एप्स को बैन कर दिया है। सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत इन एप्स को ब्लॉक किया है, यानी अब भारत में यूजर्स इन ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इससे पहले जून, जुलाई और सितंबर में भी भारत ने चाइनीज मोबाइल एप्स को बैन किया था। सरकार ने अब जिन 43 एप्स को बैन किया है, उनमें स्नैक वीडियो जैसे कई लोकप्रिय ऐप शामिल है। टिकटॉक पर बैन लगने के बाद स्नैक वीडियो तेजी से उनके विकल्प के तौर पर उभरा था, ये भी चाइनीज ऐप है। इन 43 मोबाइल एप्स के खिलाफ कार्यवाही इसलिए की गई क्योंकि सरकार को इनपुट मिले थे कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के प्रति पूर्वाग्रह वाली गतिविधियों में शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान का हाथ है, इस बात के सबूत मिलते ही रहते हैं। अब एक और ऐसी खबर आई है। बन टोल प्लाजा पर 19 नवंबर को मारे गए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों ने जन 4 साधनों का इस्तेमाल किया था, उससे बड़ा सबूत हाथ लगा है। इसी से ये भी सिद्ध हो रहा है कि 31 जनवरी 2020 को आतंकियों की भारत में घुसपैठ करने में भी पाकिस्तान का रोल था। ये जानकारी इस मामले के जानकार लोगों ने दी है। एक सुरक्षा ऑफिसर ने बताया कि नगरोटा में 19 नवंबर को हुए एनकाउंटर से ये पता चलता है कि जैश के इन दो समूहों के बीच बहुत सी समानताएं हैं। इस बात की पुष्टि भी हुई है कि भारत में सांबा बॉर्डर के पास आतंकवादियों की घुसपैठ में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दिल्ली में कोरोना ने कहर बरपा रखा है तो मुंबई तक उसका खौफ नजर आ रहा है। अब महाराष्ट्र ने बाहर आने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया है तो घर में भी टारगेट टेस्टिंग चल रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो सुनामी आएगी। ऐसे में कोरोना से सबसे ज्यादा सतर्क महाराष्ट्र हो गया है। महाराष्ट्र में नए नियम 25 नवंबर यानी कि कल से लागू हो गया है। नियमों के अनुसार बोर्डिंग से पहले यात्रियों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी। वहीं मुंबई पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उन्हें ये नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही महाराष्ट्र में आने से 72 घंटे पहले यात्रियों को कोरोना जांच करवानी जरूरी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने तथा कथित लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा मंत्री ने बताया कि इस अध्यादेश के तहत ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा जो छल, कपट, प्रलोभन, बलपूर्वक या गलत तरीके से प्रभाव डालकर विवाह या किसी कपट रीति से एक धर्म से दूसरे धर्म में लाने को किया जा रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत भले ही ब्रिटेन और अमेरिका की कोरोना वैक्सीन से ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा हो लेकिन रूस में बनी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी ट्रायल के दौरान कोरोना से लड़ने में 95% असरदार साबित हुई। ये ना सिर्फ असरदार साबित हुई बल्कि बाकी वैक्सीन से मुकाबले सस्ते भी है। रूस के लोगों को भी ये फ्री में मिलेगी और दुनिया के बाकी देशों के लिए इसकी कीमत 700 रुपए से भी कम, करीब 10 अमेरिकी डॉलर के आसपास होने वाली है। आरटी की रिपोर्ट के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे शुरुआती एनालिसिस में ये बात सामने आई है कि पहली डोज देने के 28 दिन के बाद इस वैक्सीन के 94.4% इफेक्टिवनेस दिखाई दी। पहली डोज के 42 दिन के बाद ये बढ़कर 95% हो गई। ये कई अन्य वैक्सीन से ज्यादा असरदार साबित हो रही है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। आगे खबरें और भी बाकी हैं, जो कि कई महत्वपूर्ण खबरें हैं और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आगे दूसरी खबरों पर ध्यान रखते हैं। लेकिन इसी के साथ, अगर आप चाहते हैं कि खबरों का ये सिलसिला कभी खत्म ना हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आता रहे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। आज दिल्ली में पेट्रोल 81.59 रुपए और डीजल 71.41 रुपए, मुंबई में पेट्रोल 88.29 और डीजल 77.90, कोलकाता में पेट्रोल 83.15 और डीजल 74.98 रुपए, चेन्नई में पेट्रोल 84.64 और डीजल 76.88 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोल्ड के दाम में लगातार गिरावट का दौर है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी इसके दाम में गिरावट दर्ज की गई है। MCX में गोल्ड के दाम 0.74% यानी 81 रुपए गिरकर 48,504 प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं सिल्वर के दाम 0.22% यानी कि 131 रुपए गिरकर 59,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। अहमदाबाद में गोल्ड स्पॉट दाम 48,958 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। गोल्ड फ्यूचर के दाम 48,464 रुपए प्रति 10 ग्राम। दिल्ली में मंगलवार को स्पॉट गोल्ड 1,049 रुपए गिरकर सीधे 48,569 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं सिल्वर के दाम 1,588 रुपए गिरकर 59,301 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप गूगल पे से पैसों का लेन देन करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे अगले साल जनवरी से आपके अपनी पीयर टू पीयर पेमेंट सुविधा को बंद करने जा रहा है। इसके बदले कंपनी की तरफ से इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम जोड़ा जाएगा जिसे यूज करने पर ग्राहक को चार्ज देना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट के अनुसार अभी कंपनी ने इन चार्जेस को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की है। फिलहाल ग्राहक गूगल पे ऐप और pay.google.com दोनों प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब गूगल ने एक नोटिस जारी करके यूजर्स को नोटिफाई किया है कि उनकी वेब पेमेंट सर्विस अगले साल जनवरी में काम नहीं करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले 0 लगाने की सिफारिश की थी। इससे दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। सर्कुलर के अनुसार उक्त नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले 0 डायल करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
आज 26 नवंबर को पूरे देश में बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकता है। इसकी वजह है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की हड़ताल, जिसमें देश भर के लाखों बैंक कर्मी भी शामिल होंगे। ऐसे में आप हर जरूरी काम आज ठप हो जाएगा। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में आज हड़ताल का आह्वान किया। सरकार ने हाल ही में 3 नए श्रम कानूनों को पारित किया है और 27 पुराने कानूनों को खत्म, जिसके विरोध में ये हड़ताल हो रही है। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की घोषणा की है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिएगा और साथ में अपना नाम मेंशन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।